फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ डायरी। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक ब्यूटी ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो देखिए आज हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है, बायोटिक टी ट्री टोनर। आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत अच्छा टोनर है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसके बारे में। बायोटिक एडवांस ऑर्गेनिक टी ट्री स्किन क्लियरिंग मैटिफाइंग फेशियल टोनर नॉर्मल स्किन से लेकर ऑयली स्किन वालों की सबके लिए है। इसमें 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट है, यही सोचकर मैंने लिया था। यही सोचा था कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बायोटिक के मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जब मैंने ये खरीदा तब मेरे विचार कुछ चेंज हो गए कि नॉर्मली हम टोनर किस लिए यूज करते हैं कि हमारी स्किन थोड़ी रिफ्रेश फील करे, थोड़ी टोनिंग हो जाए। जब हम बहुत टायर्ड फील करें तो हमारी स्किन थोड़ा सा अच्छा फील करे, और हमारे यदि किसी की स्किन थोड़ी ऑयली है तो वो ऑयल सिक्रेशन थोड़ा कंट्रोल करे, तो इसलिए हम टोनर यूज करते हैं। बट ये टोनर यूज करने के बाद सारे मेरे व्यूज चेंज हो गए कि ये टोनर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और इसमें बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है कि इसमें एंटीसेप्टिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, ये पोर्स को मिनिमाइज करता है, डीप क्लीनिंग करता है और आपको फ्रेश कॉम्प्लेक्शन देता है। इससे पहले मैं कोई और टोनर यूज करती थी, लेकिन जब मैं मार्केट गई तो मुझे ये टोनर लगा कि हाँ मुझे यूज करना चाहिए। मैंने इसको परचेज किया, यूज किया, तो एक पहली बार जब यूज किया तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, दोबारा मैंने यूज किया फिर थोड़ा अजीब लगा, तो मैंने सोचा हो सकता है कि मैंने अभी प्रोडक्ट चेंज किया है, मेरी स्किन भी अडेप्ट नहीं हो पाई, तो शायद इसकी वजह से मुझे फील हो रहा है। लेकिन जब आप इसको यूज करेंगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि झाग से बन रहे हैं, कुछ अजीब सा, कुछ चेंजेस ही नहीं लगेंगे। और ऑलमोस्ट मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं हाफ बॉटल अराउंड मतलब यहां तक हो चुकी है, मुझे 0.1% भी इसको यूज करने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। नॉर्मली आप कोई भी टोनर परचेज करते हैं तो होता क्या है कि आप यूज करने के बाद उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं या नहीं सेटिस्फाई होते हैं, तो इस प्रोडक्ट से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। और कोई भी टोनर आप परचेज करते हैं तो वो 100 to 120 के बीच में आराम से आ जाता है। 100 ml जो टोनर रहता है, ये 120 ml टोनर है। और पता है आपको इसकी प्राइस कितनी है, 220 rupees। यदि आपको लगता है कि हाँ बहुत नेचुरल है, तो इससे बेटर आप ऐसा ना करिए कि घर का कुछ भी पानी यूज कर लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको खुद दिखा सकती हूँ इसका, कि आप दूसरा कैसा फील करता है, हो सकता है मेरा रिव्यू आपको पसंद ना आए। जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ी डल सी स्किन लग रही थी, तो यहाँ पर हमने, मैं आपको टोनर यूज करके दिखाती हूँ। टोनर हम कैसे यूज करते हैं कि कोई भी कॉटन पैड पर टोनर ले लेते हैं, अमाउंट इसका कुछ भी, फिर उसके बाद आप यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले तो आपको ऐसा फील होगा कि क्या लिक्विड लिक्विड जैसे पानी लगा दिया। सकते हैं आप कि इसको जरा सा भी लगा रहे हो तो झाग जैसे निकल रहा है और स्किन को भी बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जरा भी डर्ट नहीं निकली, कुछ नहीं निकली, जबकि ये बाहर से अभी आई थी। तो मैंने यही बोला कि इसका रिव्यू मैं डायरेक्ट लाइव बनाऊंगी, ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उसको ऐसा जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट अच्छा ही निकले, तो और हर कंपनी का हर प्रोडक्ट अच्छा हो। आई जस्ट होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ये टोनर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं किसी कंपनी की या किसी भी प्रोडक्ट की बुराई नहीं कर रही, लेकिन हाँ जो मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो मैं उसको किसी को रिकमेंड भी नहीं करूंगी कि ये प्रोडक्ट यूज करो। हो सकता है कि मेरी स्किन को पसंद नहीं आया या फिर इसकी स्किन को पसंद नहीं आया, लेकिन इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है कि मैं किसी को रिकमेंड करूं कि आप इसको परचेज करो। काफी कॉस्टली है, 220 rupees का, इतना तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।